तो वेलकम बैक। काफ़ी टाइम हो गया। चलिए इस जो हमारा सेशन होगा उस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम यूनियन जो प्रॉपर्टीज होती थी सेट्स की उस पे आ गए थे। तो हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और हम उसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को कि कैसे हमें जो भी प्रॉपर्टीज हैं सेट्स की वो यूज़ करके और हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन कर ले लेता हूँ पहले। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स। तो हमने पहले ही बताया कि जो हमारा कोई सेट ए है एंड सेट बी है तो इसका यूनियन हम किस तरीके से निकालते हैं। तो ए यूनियन बी जितने भी दोनों के एलिमेंट होते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों के ही एलिमेंट। और हमें ये तो पता ही है कि नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट होता है। तो हम सीधे एक्सरसाइज पे जाते हैं। हम एक पार्ट वन ले लेते हैं। क्या कह रहा है? एक्स इज इक्वल टू 135 एंड वाई इज इक्वल टू 123। तो हमारा ये हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनियन ऑफ द सेट्स एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 एंड 5 क्योंकि हमारे एक्स भी इससे बन के आ रहा है वाई भी इससे बन के आ रहा है। तो ये जो हमारा यूनियन हो गया वो इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि सारे एलिमेंट हम लिखने को। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्स के भी एलिमेंट और लिख दें और वाई के भी एलिमेंट लिख दें। और जो मैच कर रहे हैं जो कॉमन है उनको हम हटा देंगे क्योंकि रिपीटेशन होता नहीं है। तो वो हमारा यूनियन बन जाएगा। बी आप कर लीजिएगा, सॉरी सेकेंड पार्ट आप कर लीजिएगा। मैं थर्ड पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए। ए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्या बता रहा है कि ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 है। तो कैसे हो जाएगा? ए हमारा क्या बन जाएगा? 3 6 एंड और बताइए 9 12 डॉट 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 कितना हमारा चला जाएगा? 3 n क्योंकि हम कोई भी n नंबर लेंगे वो 3 का मल्टीप्लाई है। तो हमारा ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि हमें कैसे ले रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3 है ना ये। ओके बी हमारा क्या कह रहा है? बी कह रहा है कि x सच दैट x नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 है तो हम क्या इसमें कर लेंगे? 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है हो गया ना हमारा। तो नाउ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 हमने इससे ले लिया ये वाला 3 आ जाएगा 4 ले लिया 5 ले लिया। इसके बाद जितने भी ये नंबर्स हैं सारे नंबर्स में आ जाएंगे 6 9 12 3 n। तो ये हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा। आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा। चलिए पार्ट 4 इसका ये वाला आप कीजिएगा। नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में कीजिएगा। पार्ट जो इसका फिफ्थ है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी ट्रिकी नहीं है, बस वही है कि अगर आपने हमारे पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो अगर आपने देखे होंगे तो हमने उसमें काफ़ी इलेबोरेट करके सारी चीज़ें बताई हैं। और हमारे इस कोर्स का मेन जो गोल है वो यही है कि आप लोगों को का जो बेसिक्स है वो उस पर पकड़ हो। क्योंकि सोल्यूशन तो बहुत सारे चैनल्स में और बहुत जगह मिल जाएगा आपको, बट जो बेसिक्स हैं वो आपके समझ में आना चाहिए। आप क्वेश्चन देखें और आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ओके दिस इज द थिंग बिहाइंड दिस क्वेश्चन। चलिए बाकी ज्ञान हम बाद में करेंगे। ए हमारा सेट ए क्या कह रहा है? 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू क्या है? 5। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो 5 है वो क्या है। ये इज समथिंग मीन्स नथिंग। हमने बोला था ना आपको जब 5 का फंडा बताया था कि अगर 5 सेट में होता तो इसका मतलब है कि ये 5 जो है वो कोई ना कोई एक एलिमेंट है। बट ये अलोन है। अलोन मतलब है कि ये यही करता है कि बी इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 2
टू एंड थ्री, बिकॉज बी तो कुछ है ही नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, फाइव अगर वो कर्ली ब्रैकेट्स में है देन इट हैज़ सम वैल्यू, इट हैज़ सम मीन कि हाँ ये है। इफ कर्ली ब्रैकेट में नहीं है तो इसका कोई मीन नहीं होता, ये जीरो या हम बोल सकते हैं नथिंग के बराबर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर टू हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको एक बार हम इरेज कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो ये भी हो सकता है कि हो जाएगा। चल इरेज हो गया, गुड। अभी हम क्वेश्चन नंबर क्योंकि स्पेस एक्चुअली मिल नहीं पाता है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, लेट ए दिस वन बी दिस वन, देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखिए, ए यूनियन बी तो मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि ये आप लोगों को अब निकालना है। बात आती है इस चीज की, तो नाउ वी विल डिस्कस ओवर दिस कि ए सबसेट बी क्या है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने सबसेट का फंडा बताया कि सबसेट क्या होता है। हमने बताया था कि जिसका माउथ जिसकी तरफ होता है वही उसका बिगर पोर्शन होता है। तो आपको ये भी पता है कि ये इसका मतलब है कि बी हमारा बिगर है, बी से ही एलिमेंट लेके ए बना है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे गिविन है, क्या गिविन है, ए इज इक्वल टू ए एंड बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें ये ए है कि नहीं है। ए है, ये पूरा पोर्शन इसका ए है, तो इसका मतलब है कि जो ए है वो सबसेट है बी का, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अभी आपको समझ में आ गया ना कि कैसे हमें सबसेट निकालना है, समझ गए हम। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए बी का सबसेट है, देन व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ कि ये बड़ा है ना, बी हमारा बड़ा है ना, जिसका अब जैसे सपोज कर लो कि क्वेश्चन बोल दिया जाए कि आपकी फैमिली में है, आपकी फैमिली में आपके पिताजी हैं और उनके सारे बच्चे हैं, तो उस फैमिली में सबसे बड़ा कौन है। तो जाहिर सी बात है कि पिताजी होंगे। अगर पूछ दिया जाए कि उम्र में हमारे घर में हमारे पिताजी हैं और सारे उनके बच्चे हैं, तो अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा उम्र किसकी है, तो आप क्या बताओगे, पिताजी की। तो हालांकि यहाँ पे सुटेबल नहीं होता, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि ये ए क्या है, इनके ही तो बच्चे हैं, बी का ही तो बच्चा है क्योंकि उसका सबसेट है, इसी से ही तो उत्पन्न हुआ है। तो जब इसका यूनियन करेंगे हम, तो यूनियन क्या आएगा, बी ही आएगा। हम अगर ऊपर वाला एग्जांपल लेके देखें तो इसमें यूनियन क्या आएगा, इसमें यूनियन यही आएगा ए बी एंड सी, क्योंकि ए बी तो ऑलरेडी ए का सबसेट है। समझ में आ गया। तो इस चीज़ को भी आप ऊपर वाला एग्जांपल से इसको समझा सकते हो और सेम इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन बी इज इक्वल टू दिस वन सी दिस वन डी इज इक्वल टू दिस वन फाइंड। अब फाइंड आगे नेक्स्ट में जाते हैं। फाइंड बोल रहा है आपको ये यूनियंस निकालने हैं, तो मैं आपको एक इसमें सिक्स पोर्शन करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। इसके बाद आप निकालो, क्योंकि ए यूनियन बी निकालना है तो इनके इनके एलिमेंट, इसके इसके एलिमेंट, इसके इसके एलिमेंट, हम नंबर सिक्स करते हैं। तो हम इससे पहले स्लाइड पे जाएंगे, इसमें कौन कौन से हैं, हमें क्या निकालना है। सिक्स में हमारा क्या था, सॉरी सिक्स में हमारा है ए यूनियन सी यूनियन डी, आई थिंक यही है, ये सॉरी बी है। तो यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है, तो हम क्या कर निकालेंगे, सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं और इसके बाद हम डी को निकालें। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम एक्चुअली मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप खुद ही समझ लीजिए। ए यहाँ पे हम निकालेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये हो गया ए यूनियन बी। अब नाउ ए यूनियन बी तो हो ही गया यूनियन डी, तो अब जो डी के एलिमेंट हैं उससे हम कंपेयर करेंगे, इससे हो गया ना। तो ए यूनियन बी तो पहले लिख ही देंगे, इसके बाद से तो कितना आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, समझ में आ गया ना। यूनियन मतलब होता कि कोई रिपीटेशन नहीं होगा, जितने भी हमारे सेट्स के यूनियन हो रहा है सबको हम लिख देंगे। तो अभी आप ये सारे इसके जो भी पोर्शंस हैं वो आप सारे कर लीजिएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें। आगे कुछ भी डिफिकल्टीज होंगी तो हम है ना मैं हूँ ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच पेयर ऑफ द सेक्शन। ओके, मैंने क्या था, मैंने आपको यूनियन बता दिया था कि यूनियन क्या होता है। यूनियन तो बता दिया कि दो सेट, अब इंटरसेक्शन की बात करता हूँ। शायद मुझे याद नहीं है कि मैंने आपको बताया है कि नहीं, बट चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए इंटरसेक्शन होता है कि दो सेट है ना, सपोज कर लो कोई सेट ए है, ये है 1 2, एंड सेट बी है, ये है 2 एंड 4। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन मीन्स ये यूनियन का अपोजिट बी, इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं, ये हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब इसमें इसमें क्या करते हैं, जो भी कॉमन होता है इन दोनों के बीच में, ए एंड बी के बीच में, उसको लिखते हैं। कॉमन क्या है इन दोनों के बीच में, 2। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, यूनियन मतलब कि सब, दो ही चीज़ें दिमाग में रखनी, यूनियन मतलब सब कुछ हो गया पूरा, जो भी दोनों का एलिमेंट है, बस हमें रिपीटेशन नहीं करना है एलिमेंट का। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट जिनके बीच में हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं उनके बीच में क्या कॉमन है, तो कॉमन हमारा क्या है, यही तो है कॉमन, तो यही हमारा क्या हो गया इंटरसेक्शन। चलिए तो अभी क्या लिखा, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर सेट ऑफ द क्वेश्चन 1 एवब। तो क्वेश्चन 1 में हमने देखते हैं ये दिया गया ना, इसका ही बोला गया है, क्वेश्चन 1 था उसका, यहाँ पे दिया गया था कि यूनियन निकालना है। जब हम बात क्वेश्चन 5 की करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात आती है, तो इंटरसेक्शन में हम कैसे निकालेंगे, चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कॉमन है एंड 3 कॉमन है। समझ में आ गया आपके कि कैसे हमें इंटरसेक्शन निकालना है, जो भी कॉमन होगा उसमें वो हमें निकालना है। चलिए आगे आप कीजिएगा, एंड प्लीज़ आप लोग हमें बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, या आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें ये भी बताइए कमेंट करके कि अच्छा लग रहा है। कुछ वीडियोस में वॉइस का इशू है, इस वीडियो में भी कुछ वॉइस का इशू होगा, मैं धीरे धीरे उस चीज़ पर काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी हम क्लियर वॉइस लेके आएंगे, बट जब तक हो पा रहा है प्लीज़ आप बियर कीजिए ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कह रहा है ए सेट ए दिस वन, सेट बी दिस वन, सेट सी दिस वन, एंड सेट डी दिस वन, फाइंड इंटरसेक्शन निकालने हैं। अब कोई इशू नहीं है, चलिए मैं निकाल लेता हूँ एक इंटरसेक्शन, कौन सा निकाल दूँ, मैं इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ 9th का। ओके चलिए 9th का इंटरसेक्शन निकालता हूँ, तो कैसे निकालता हूँ 9th का इंटरसेक्शन, देखिए हमने कॉमन लगा, ये तो ब्रैकेट्स में है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं, हमने ए ये देखा बी ये देखा, चलिए जल्दी जल्दी से बताओ इसमें क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा कॉमन, क्या क्या है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, ऐसे देख करना होता कि 3 इसमें नहीं, ओके 5 इसमें नहीं, ओके देन इसका एलिमेंट 7 है, देन हम क्या करेंगे इसमें यहाँ पे 7 लिख देंगे, इसके बाद हमने क्या देखा 9 है, ओके हम इसमें 9 लिख देंगे, इसके बाद हमने देखा कि इसमें क्या है 11 है, यस 11 है, इसके बाद आगे इसके एलिमेंट ही नहीं बचते, तो हमारा ये इंटरसेक्शन आ गया ए इंटरसेक्शन बी। नाउ अब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, तो अभी पेन भी नटंकी कर रहा है ना, चलिए ए बी इंटरसेक्शन सी निकाला, निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी निकाला, बी हमारा क्या है ये है सी ये है, इसमें क्या है 11 13 आ जाएगा, अब काफ़ी होशियार हो गया होगा समझ गया 11 13। अब हम इसमें इंटरसेक्शन निकालते हैं इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच में यही कॉमन है ना 11 ही तो कॉमन है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 11, और हमें इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है, दैट्स माय आंसर। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है एक्स मतलब 1 2 लेके इन्फिनिटी तक है, चलो ए हमने इस एक बार हम इसको फिर सीरियस कर लेते हैं ना, एक्चुअली 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बोल के मैं वीडियो काफ़ी लंबा बना दे रहा हूँ, बट कोई नहीं, एक ही वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा ना, तो 7 में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नेक्स्ट आगे स्लाइड से हम कुछ ऐसे करेंगे क्योंकि दिखता नहीं है फिर, तो उस वजह से हो रहा है, बाकी हम आगे कोशिश करेंगे कि हम अलग से पेज लेके उस पर करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक्स ए हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी, ये नेचुरल नंबर्स हो गए, ओके। फिर क्या कह रहा है सेट बी क्या कह रहा है हमारा, सेट बी हमारा कह रहा है कि एक्स अगर इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल मतलब क्या है 2 4 6 डॉट 2 एन, समझ में आ गया ना, इसको एन मान लेते हैं, एन तक गया नेचुरल नंबर, ओके।
अब इसमें कह रहा है कि इंटरसेक्शन, ओके अभी सी भी डी भी है क्या? ओ माय गॉड, सी सी क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एक्स ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या जाएगा, 1, 3, 5, .. 2n-1, ठीक है। इसके बाद 2n-1, पीछे वीडियो में आप देखिएगा कि 2n-1 मैंने कैसे बताया था, कैसे ये ऑड नंबर हो गया हमारा, पता ही है हम कुछ भी n की वैल्यू रखें इससे माइनस वन करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। इसके बाद डी कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर आपको पता ही है क्या होता है, प्राइम नंबर होता है 1, 3, 5, 7, समझ में आ गया, 11, मतलब जो नंबर किसी से नहीं बनता। चलो ओके, तो अभी हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। अब ये हो गया, अब लिखा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, इसमें इंटरसेक्शन में हम कर लेंगे कौन कौन से कॉमन है, तो सारे नेचुरल नंबर से यही से कॉमन तो होगा, तो हम जब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा जो भी आएगा वो सारे बी के एलिमेंट आ जाएंगे, नाम ऐसे नहीं लिखेंगे और तो जो भी सेट बी होगा वो आ जाएगा, इस मीन्स 2, 4, 6 पूरा 2n तक। ओके, इसके बाद हम छोड़ देते हैं, आप प्लीज़ कीजिएगा इसमें, इसके बाद अगर आपको नहीं आता तो बताइएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि आपको ये लगेगा कि प्राइम नंबर्स और इसमें क्या क्या अंतर आ सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है। तो सी एंड डी में हम क्या देखेंगे, तो इसमें इसमें देखो क्या हो रहा है कि सी हमारा क्या है, सी सारे ऑड नंबर्स हैं, सारे ऑड नंबर्स हैं, 1, 2, 3, सॉरी 2 नहीं होगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है, ये नंबर्स होंगे। अभी हम क्या करते हैं, और हमारा डी क्या है, डी ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं जो किसी से मिलके नहीं बने, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा, यही तो कॉमन होगा क्योंकि 4 तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी किसी न किसी से मिलके बन रहा है, तो सारे ऑड नंबर से ही तो बने, मिलके से ही निकलेगा ना प्राइम नंबर, समझ में आया ना आपके, जैसे 1, 3, 5, 7 ये है, ये किससे मिलके बन रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 6 ले लेंगे 6 तो हो ही नहीं सकता प्राइम नंबर, समझ में आया ना आपके, तो इस वजह से ये जो 1, 3, 1, 2, 3, 5 ये जो है ना, ये इसके सारे कॉमन नंबर्स हैं, और हमें यही लिखना है कि सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू ऑल दी प्राइम नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे हमारा यही आया है, ये जो मतलब ये हमारा जो पॉइंट बन रहा है ये यही बन रहा है, ये पेन बार बार क्यों मैं टंकी कर रहा है, ठीक है। डी क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू आ जाएगा डी सारे ऑल दी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कैसे आएंगे मैंने बताया, क्योंकि सारे नंबर्स इसी, अब 9 नहीं आएगा, 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 3 × 3 है ना, हालांकि प्राइम से प्राइम बन के बना है फिर भी हम इसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये आ रहा, तो सारे नंबर अगर देखा जाए सारे नंबर्स तो वो यही तो बनेंगे ना कॉमन, कॉमन तो यही होंगे ना, तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। चलिए बाकी इनका सबका आप बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं, बार बार मैं कमेंट में बोल रहा हूँ ताकि इसलिए क्या, ताकि हमको अंदर से लगे कि नहीं आप लोगों को फायदा हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। चलिए अब यहाँ पे आता है ये कॉन्सेप्ट डिसजॉइंट, अब हिंदी मीडियम के लिए डिसजॉइंट क्या बताएं, एक्चुअली आप क्वेश्चन नंबर देख क्वेश्चन देख लीजिएगा अपनी हिंदी का और उसमें देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लैंग्वेज का कोई इशू होगा, थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स का होगा वो प्लीज़ आप मैनेज कीजिए, आगे से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हिंदी का भी जो भी शब्दावली है उनकी उनको बता सके, बट डिसजॉइंट तो मैं आपको बताता हूँ कि डिसजॉइंट एक्चुअली होता क्या है। चलो कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट पे आने से पहले हम इसको एक बार फिर से रेस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो हाँ हो गया हो गया, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि डिसज्वाइंट क्या होगा, डिसज्वाइंट, ठीक है। तो अब हम बात ये करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्वाइंट क्या होता है, तो ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट अकाउंट या कुछ भी, ज्वाइंट क्या होता है कि ये एक हमारा हाथ है, और अभी कॉल आ रहा है,
तो ये क्या है कि ये डिसजॉइंट डिसजॉइंट क्या होता है कि एक ये कोई सेट है या कुछ भी है एंड इसके साथ एक ये चीज होगी, मीन्स क्या है इससे जॉइंट है, इससे जॉइंट होगी ना। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मीन्स अगर हम इस सेट के अकॉर्डिंग चलें तो बोलें कि टू सेट्स, ऐसे सेट्स जो कि एक दूसरे से जॉइंट हैं, मतलब उसके जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के अंदर पाए जाते हैं, मतलब द एलिमेंट द सेट्स बोथ आर हैविंग फ्यू कॉमन एलिमेंट। मतलब डिसजॉइंट का मतलब वो होता है, जॉइंट का मतलब वो होता है कि उनका इंटरसेक्शन जो है किसी भी सेट्स का इंटरसेक्शन है वो फाई नहीं हो सकता, मतलब उन दोनों में उन दोनों क्या हो कितने भी सेट्स हों अगर वो जॉइंट सेट हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा इट हैज़ सम वैल्यू, कोई वैल्यू होगी उसकी, ठीक है वो जॉइंट हो गया। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनका इंटरसेक्शन, सपोज कर लीजिए कि हम बताते हैं आपको, पहले बता देता हूँ, डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, मीन्स उनका जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज इक्वल टू जीरो, या हम बोल सकते हैं कि कुछ नहीं होता, नथिंग इज देयर इंटरसेक्शन। अब सपोज कर लीजिए ए इज इक्वल टू, हमने ये मान लिया 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू, हमने मान लिया हालांकि थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा बट स्टिल मैं मान मैं चलते हैं ए बी एंड सी। अब नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा ना, क्योंकि इसका कुछ कुछ कॉमन ही नहीं हो रहा है, एंड दिस दिस काइंड ऑफ सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। समझ में आ गया ना कि कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं रहा है, इस वजह से वो जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट सेट है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी क्वेश्चन जब हम बताएंगे तो और सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन हम कर लेते हैं, एक सेट ये दे रखा है एंड दूसरा सेट दे रखा है एक्स, सच दैट एक्स नेचुरल नंबर एंड ये हमें इनइक्वालिटी दे रखी है, तो क्या करेंगे, एक्स कैसा है, एक्स कैसा है चार से बराबर और बड़ा है तो हम चार उसमें फोर को तो कैरी करेंगे, इसके बाद फाइव सिक्स के बराबर भी है बड़ा भी है, मतलब ये तो जो हमारा सेट हो जाएगा वो दो ये सेट हो गए। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, तो हम ये मान लिया हमने एक्स बराबर एंड वाई बराबर हमने जो दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, तो अगर हम इसका x इंटरसेक्शन y निकालते हैं तो इसमें तो 4 निकल रहा है, इसका मतलब ये y है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे क्या है बॉबल्स हैं एंड दिस c d e f, इसमें भी क्या है e एंड e कॉमन हो रहा है, इट मींस कि ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। समझ में आ गया ना आपके, ओके बस समझ में आना चाहिए आपके कि डिसजॉइंट मीन्स कि डिसजॉइंट, समझ रहे हो ना, डिसजॉइंट मतलब डिसजॉइंट, उनका कोई जॉइंट है ही नहीं। यहाँ पे ई तो ई इनके बीच में क्या कर रहा है, कोई ना कोई एक जॉइंट बता रहा है ना, तो ऐसा नहीं करना। 3 एक्स सच दैट एक्स इवन इंटीजर एंड दिस इज ऑड इंटीजर, अब समझ लो इवन इंटीजर मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 ये भी इवन इंटीजर्स हो गए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस इंटीजर की बात हो रही है तो प्लस माइनस भी लेना पड़ेगा, और सॉरी 3 प्लस, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है ना, इट मींस जो हमारा थर्ड पोर्शन है ये वाला दिस इज डिसजॉइंट सेट, ये क्या होगा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। आप इसमें आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू इतना दिया गया है, बी इज इक्वल टू इतना दिया गया है, सी इज इक्वल टू इतना दिया गया है, डी इज इक्वल टू इतना दिया गया, फाइंड। अब ओके चलिए यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं और आपको बताता हूँ, वो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ये a माइनस बी दिया गया है ना। अब देर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन a माइनस बी एंड a, मैं क्या बताऊँ, a इंटरसेक्शन b, ठीक है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज करो कि हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, हम फिर से एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको बताते हैं कि a माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी देखिए, ए माइनस बी अगर सपोज कीजिए कि 5 माइनस 3 होता है तो हम क्या लिखते हैं 2। ओके ध्यान से देखिएगा, अगर 5 माइनस 8 होता है तो हम क्या लिखते हैं माइनस 3। इसका मतलब है कि हम इस एलिमेंट को पूरी तरीके से मास्टर मानते हैं मास्टर। समझ में आया आपको, इसी यही सेम हमारा ए माइनस बी में होता है, ए माइनस बी सेट में होता है।
क्या होता है जब ए माइनस, हम यहाँ पे एक एग्जांपल अभी देखेंगे, पहले आपको समझा रहा हूँ। सपोज कर लीजिए कि ए इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 एंड बी इज इक्वल टू दिया गया है 1 3 5, तो ए माइनस बी जो होगा वो पता है क्या होगा, वो ए में से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या चला जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 1 चला जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा 2, तो इसका सेट 2 आएगा। बाकी एलिमेंट जो बी के एलिमेंट है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पे करते हैं बी माइनस ए, ए माइनस बी डज नेवर इज इक्वल टू ए माइनस बी, समझ में आ रहा है ना आपके, इसके बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से 1 चला जाएगा, इसकी 3 3 एंड 5 आएगी। मतलब जिससे हम घटाते हैं, हमारा जो प्राइम मेंबर होता है उससे हमें मतलब होता है। आप बी में कुछ भी रख दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इससे जो इससे सब्सट्रैक्ट हो रहा है या जो कॉमन हो रहा है उसको हम हटा देंगे, बाकी सारे एलिमेंट हम ए के रखेंगे, बी से हमें कोई एलिमेंट का मतलब नहीं है। अभी आ गया ना समझ में आपके। चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, इसके बाद आप प्लीज़ कीजिएगा। ए 3 6 9 यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ, कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। चलिए मैं ए माइनस बी निकाल रहा हूँ, तो ए माइनस बी जब निकालेंगे हम, तो ए ये है ना 3 इतना देने, तो इससे इस हमारा प्राइम प्राइम कौन हो गया, ये प्राइम है ना, तो हम इसमें देखेंगे इसमें क्या कौन कौन सा माइनस हो जा रहा है। नहीं ये नहीं हो रहा, ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, 12 ओके 12 कैंसिल, 15 ये भी रहेगा, 18 ये भी रहेगा, 21 ये भी रहेगा, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 3 6 9 15 18 एंड 21, बट 12 जो 12 है वो इसका कॉमन था, ऐसे चला गया। बाकी हमें इससे 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 कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी कटर करे, हमें मतलब था इससे कि हमें ए माइनस बी करना है, समझ में आ गया। जो हम ए इंटरसेक्शन बी करते थे उसमें क्या करते थे, जो कॉमन होते थे उनको लिखते थे। चलो बाकी कॉन्सेप्ट आप कहने के दिक्कत कर जाओगे, अभी माइनस का फंडा आपको समझ में आ गया। अगर डी माइनस ए कर दिया जाए, और ये कभी भी बराबर नहीं होता है ए माइनस डी के, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू डी पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू ए पे डिपेंड करती है। ओके चलिए, बहुत बड़ा हो जा रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सेम है, आपको निकालना है x माइनस वाई, वाई माइनस, हमें बताया था कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो कैसे नहीं हो सकते, इसको आप कीजिएगा एंड x इंटरसेक्शन y, ये भी आपको निकालना है, आप निकाल ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 11, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमने क्या माने r सेट है रियल नंबर्स का, रियल नंबर मतलब 1 to infinity तक, एंड q इज द सेट ऑफ द रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज द r माइनस q। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम आपको बताते हैं। r रियल नंबर हमारा हो गया, एंड q जो है वो क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मीन्स क्या होता है, 2/5 कुछ, उसकी एक 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 डेफिनेट वैल्यू आती है। तो इसमें से अगर हम इन दोनों का वो देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या इसका माइनस में क्या आएगा, तो हम देख लेते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं ना, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं दे आर रैशनल टू, क्योंकि 5 है तो 5/1 आएगा ना, 5/1 ये क्या है, एक रैशनल नंबर ही तो है। ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो रियल नंबर ना हो, और ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो रैशनल नंबर ना हो। आप देखो, अगर हम √3/2 कर, हमें रैशनल नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है इससे। और हम ये कहते हैं कि कोई भी रियल नंबर हो वो रैशनल नंबर होता ही होता है, तो जब हम इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि सारे के सारे इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो अगर हम ये देखें कि r माइनस क्यू क्या होता है, तो ये होता है 5, क्योंकि हमें मतलब है r से, और जितने भी रियल नंबर्स होते हैं दीज आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल, ऐसा भी होता है क्या, कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चलिए बाद में हम इस पे बात और कर लेंगे। बट इसका जो चीज़ वही है कि हमारा जो सारे रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू एंड फॉल्स करना है। मैं डिस्जॉइंट सेट पे ही सारे हैं ना, मैं एक से बताऊंगा क्योंकि वीडियो भी बड़ा हो रहा है, इस पे बताता हूँ। 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिस्जॉइंट सेट, 3 इसमें कॉमन है, कॉमन है ओके, तो डिस्जॉइंट सेट नहीं, ये क्या है,
कॉल्स इसका ऐसे बाकी आपको करने हैं। थैंक यू सो मच इस उसके लिए, हमारे साथ डिस्कस करने के लिए, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।